आपकी सेवा करना। पुत्र का धर्म क्या है? श्रवण ने अपने माँ बाप की सेवा की। किसकी सेवा की? पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और गृहस्थी का धर्म है अतिथि की सेवा करना। हम सब लोग धर्म से बंधे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, आपको स्वतंत्रता चाहिए या धर्म का बंधन सही है? अच्छा, धर्म का बंधन सही है या गलत? धर्म की गेड़ियां सही है या गलत? बताओ जोर से। नैया, ओ मेरी प्यारी नैया, धर्म की गेड़ियां सही है कि गलत है? आजकल की पीढ़ी कहती है जी हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए, हमें माँ बाप का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई हमें रोके ना टोके ना कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से इंटरफेयर नहीं चाहिए। बताओ धर्म का बंधन जरूरी क्यों है? सुमनता जो थी वो स्वतंत्र थी या धर्म के बंधन में बंधी थी? जो सुमनता स्वतंत्र थी या बंधी थी धर्म की गेड़ियों? जो सुमनता स्वतंत्र थी, क्या थी? सुमनता जिसे देखनी थी राम जी को देखती तो कह देती आप बड़े सुंदर हैं। सुमनता जिसे देखना लगती थी उसी को आई नहीं कह देती थी, है ना? आप बड़े सुंदर हैं तो तुम पुरुष नमो सुंदरी, यह संयोग भी बच्चा बिचार। आप बताइए कोई स्त्री किसी भी पुरुष से कहने लग जाए कि जी तुम बहुत सुंदर हो हमसे विवाह कर लो तो क्या ये नारी का धर्म है? सुमनता के पास कोई बंधन धर्म का नहीं था। अरे धर्म का बंधन, आप बताइए सुमनता और माता सीता इन दोनों में कौन सी स्त्री धर्म की के बंधन में बंधी थी? माता सीता धर्म के बंधन में, तो धर्म का बंधन जरूरी है। धर्म का बंधन, यदि धर्म की बेड़ियां नहीं होंगी तो आपकी स्वतंत्रता आपको सुपनखा बना देगी। राधे राधे, कृपया करके जहाँ मन करे वहाँ जाए। बाबा जी हम लोग हमारा विवाह ही नहीं हुआ जबकि विवाह हो चुका। रावण ने मार दिया था इसके पति सुपनखा के पति, और सबसे क्या कहती हूँ कुमारी ऐसी थी सुपनखा। और ऐसे ही इसका भाई था रावण, उसके पास भी धर्म का कोई बंधन नहीं था, जबकि राम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, जो धर्म की बेड़ियों में बंधता है, जो मर्यादा की बेड़ियों में बंधता है, समाज के आने वाले युगों में उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है, वरना रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्योंकि रावण के पास कोई धर्म का बंधन धर्म की बेड़ी नहीं थी। प्रिय भक्तों, तो आप लोग अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे? हाँ उठा के बताओ। प्राण की आहुति, हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं पर अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अरे हमारा धर्म ही चला गया तो फिर हमारे पास बचा गया? हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े और हीरे और मोती नहीं है, हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। इसलिए धर्म को जाने मत दीजिए। महाभारत में घटना घट गई, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हय अग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरि बुद्ध कल्कि अवतार पृथ्वी राजा बालकुली कृष्णचंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण में श्री नारायण भगवान के 24 अवतार।
एक ईश्वर एक एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक करोड़ करोड़ पाए रचना में प्रभु विष्णु। कभी राम बने वो कहीं कृष्ण बने, सब भगवान वही राम वही नारायण। राम है वही नारायण, कृष्ण है उन्हें कोई भेद नहीं। नारद जी महाराज ने देखा, व्यास जी महाराज से पूछा, पुराण देखा, आगे बढ़ते रहिए राधे राधे। आप उन्हें अभी तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। नारद जी महाराज के कहने से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र से महाभारत कितने कक्षों में हुआ था? कितने कक्षों से बेटा? पांच कक्षों। पांडव और कौरव, कौरव कितने थे? कौरव कितने थे मेरी माँ? मैया बता रहा हूँ मेरी माँ कौरव कितने थे? पांडवों का बरगर में सबसे बड़ा कौन था?